गुणगान करना मैं समझता हूँ प्रत्येक भारतीय और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। निश्चित रूप से आप इन कार्यक्रमों का आयोजन इतना जानदार और मिलता है कि जिनने हमारे लिए इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों का महत्व है, उनकी गरिमा और उनके त्याग तपस्या और बलिदान के भाव को उजागर करने के लिए ये आयोजन किए जाते हैं। मुफ्त में मिली हुई आजादी को हमारे देश के नौजवानों ने या किसी नागरिक ने यह समझ लिया हो कि आराम से आजादी मिल गई हो तो मैं समझता हूँ वो नादान नागरिक है, वो इस देश का नागरिक नहीं है। इस आजादी के लिए, इस संविधानता दिवस के लिए, इस गणतंत्र दिवस के लिए हजारों नौजवानों ने जब बलिदान दिया था, हजारों माताओं की कोख उजड़ी थी, हजारों बहनों की मान का सिंदूर उजड़ा था, हजारों भाई बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधने के लिए तरस गई थी, जब जाके ये आजादी और ये गणतंत्र दिवस मनाने का हमें मौका मिला है। इसके पीछे जो कुर्बानियां होती हैं उनको याद करना मेरे नौजवान साथियों, क्योंकि हम आजाद भारत में पैदा हुए लोग हैं, इसलिए इस आजादी की और इस 26 जनवरी की कीमत नहीं समझते हैं। मैं समझता हूँ सदियों से चले आने वाले बड़े बड़े त्यौहार और होली दिवाली से बड़ा कोई त्यौहार है, कोई से भारत के इतिहास में 26 जनवरी और 15 अगस्त का त्यौहार है। इस गणतंत्र दिवस में 75 साल में हमने क्या खोया और क्या पाया, इसका आकलन करना सीखो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे उद्घोषक महोदय अभी जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, मैं इस शुभ दिन के लिए कहना चाहता हूँ जो 22 जनवरी आज से मात्र 4 दिन पहले गुजरी है, 75 साल के इस गणतंत्र में और 78 साल के स्वतंत्र दिवस में हमारे 500 साल से जो रामलला टेंट में विराजमान थे उनको सहसम्मान उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके अयोध्या में जो कीर्तिमान स्थापित किया, उसके लिए करोड़ों हिंदुओं की जो सनातन संस्कृति को जो मान और सम्मान मिला और आस्था को सम्मान मिली और ये बसई ग्राम पंचायत के लिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और ना ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन उसके हम प्रत्यक्ष दर्शी हैं। और इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ उस मर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिसने 500 साल की इच्छा को और आस्था को साक्षात करके 22 जनवरी को रामलला को हमारे प्राण प्रतिष्ठा करके एक इतिहास का हम इस वक्त याद ना करें तो मैं समझता हूँ इस आयोजन की और इस कार्यक्रम की गरिमा अधूरी रह जाएगी। नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, इन बच्चों के मन और मस्तिष्क में तो कोई बात शायद नहीं आती होगी, लेकिन आपको इस देश के प्रति अपना फर्ज निभाना है, गांव के प्रति अपना फर्ज निभाना है, अपने परिवार के प्रति अपना फर्ज निभाना है। और जो लोग उनसे एक निवेदन करता है खेतड़ी का जन सेवक, आप लोग इनको जो बच्चे बैठे हैं उनको सिर्फ अंक बटोरने की मशीन मत बनाइए कि 99% लाना है आपको, 98% लाना है और विद्यालय का रिजल्ट बढ़िया करना है। आपको इनको पैसे कमाने की मशीन मत बनाइए, अगर बनाना है तो भारत के सच्चे और संस्कारी नागरिक बनाओ, उनमें संस्कार डालो, संस्कार वीर पीढ़ियां और संस्कार वीर बच्चे किसी देश के लिए और किसी गांव के लिए और किसी परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति में और जिस बच्चे में संस्कार नहीं होगा वो किसी के काम नहीं आएगा, हो सकता है 1-1.5 लाख रुपए की तनख्वाह लाके अपने परिवार और बीवी बच्चों का पालन और पोषण कर सकता है, वो ना तो समाज को कुछ दे सकता ना देश को कुछ दे सकता, लेकिन देश के नागरिक बनाने के लिए उनमें संस्कार अगर जीवित रहेंगे, जिस देश के संस्कार विहीन हुआ है जो देश, वो देश खर्च खर्च में चला गया है, लेकिन ये भारत वर्ष संस्कारी भारत है, इस भारत में संस्कार जीवित रहेगा तो एक दिन जरूर आएगा ये भारत पूरी दुनिया का विश्व गुरु और जगत गुरु बनेगा और पूरे दुनिया पे राज करेगा। अगर संस्कार हमारे अंदर होंगे तो निश्चित रूप से हम देश के अग्रणी, पूरी दुनिया के अग्रणी देशों में गिने जाएंगे। कभी हम 33वें स्थान पर आते थे, आज हमारा देश, भारत देश दुनिया के 5वें नंबर पे आता है और आने वाले 5 साल के अंदर पूरी दुनिया में ये भारत 3रे नंबर पे आएगा। ये मैं आप लोगों से 26 जनवरी को घोषणा करता हूँ। हमारी अर्थव्यवस्था सुधर रही है, हमारा सामाजिक ढांचा सुधर रहा है, लेकिन प्रमुखता से जब हम, मैं कह चुका हूँ कि उसमें संस्कार अगर हमारी पीढ़ियों में चले गए तो उस देश को डूबते हुए देर नहीं लगती। हमने कई देशों को डूबते देखा है क्योंकि वहां पर सिर्फ उद्योगों में काम करने वाली मशीन पैदा की गई है, वहां पे पैसे कमाने की मशीन पैदा की है, एक संस्कारी नौजवान पैदा नहीं किया गया। संस्कारी नौजवान देश को भी चला सकता है, अपने गांव का भी मान और सम्मान बढ़ा सकता है और अपने परिवार का भी आदर और आदर बढ़ा सकता है। इसलिए मैं इस बात को जोर देता हूँ, अंक चाहे कम ले आना, धीरू भाई अंबानी 10वीं पास भी नहीं थे, सचिन तेंदुलकर 10वीं पास भी नहीं था, लेकिन उनमें स्किल का डेवलप किया गया और उनमें हिम्मत और ऊर्जा का संचार किया गया तो दुनिया में अपना नाम रोशन किया। पढ़ाई लिखी और अंकों से आप सच्चा नागरिक तैयार नहीं कर सकते। इस गणतंत्र दिवस के मौके पे मुझे इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी थी, लेकिन इतना लंबा चौड़ा इंतजार किया, इसलिए मैं 5 से 7 मिनट की बात करके आप लोगों से
मान और सम्मान जो आप लोगों ने अद्भुत किया है उसके लिए खेतड़ी का जनसेवक आपके लिए सदा तैयार है। और ये खुले मन से घोषणा करता हूँ, इस 26 जनवरी के दिन किसी भी व्यक्ति को इस भाई की जरूरत हो कभी भी फोन किया करो, मेरे से जो बन पड़ेगा जितना बन पड़ेगा निश्चित रूप से आपके लिए 24 घंटे तैयार है और तैयार रहेंगे। ये सिर्फ भाषणबाजी मत समझना और ये भी मत समझना कि कोई व्यक्ति बदल बनते ही पूरी कायाकल्प कर देता है, उसके लिए समय चाहिए। आपके लिए तैयार है, तन मन वचन और कर्म से आपके लिए तैयार है। जो मेरे से बन पड़ेगा जितना बन पड़ेगा, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, राजस्थान की विधानसभा में मुझे भेजा, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं। उस सेवा के लिए मैं और मेरा परिवार व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल आपके लिए तत्पर है और तैयार है, ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। और पुनः मुझे विधानसभा में भेजने के लिए और खेतड़ी की आम आवाम की सेवा करने के लिए मुझे मौका दिया है, उसके लिए पूरे उत्तर खेतड़ी की जनता को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को और इन बच्चों की दुआओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे सेवा का मौका दिया और मुझे आप लोगों ने सेवक बना के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। और मेरा धर्म है कि मैं आपकी रक्षा करूं और राजस्थान की विधानसभा में आपके मान और सम्मान को नीचा नहीं होने देंगे, इतना विश्वास दिला के इस बसई की धरती से आप लोगों को दिलाना चाहते हैं। विश्वास कीजिए, साथ चलिए और समर्पण से चलिए, त्याग से चलिए और आराम से चलिए। संघर्ष आदमी के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ये निवेदन करने के लिए आया था। मुझे 2 स्कूलों में और जाना है और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इंतजार कराना, मैं समझता हूँ उससे बड़ा पाप का कोई भाव नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान को कभी इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मुझे नंगली सलेजी सिंह में कार्यक्रम में जाना है, आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे वहां इंतजार कर रहे हैं। पुनः एक बार मुझे सुना और ध्यान से सुना, इसके लिए खेतड़ी का जनसेवक आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपना कथन समाप्त करता है। सबको राम राम। पुनः एक बार इस गणतंत्र दिवस की सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मुखार बिंदु से जो आपने स्पीच दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आशाओं के अनुसार यहाँ के निजी शिक्षण